मोतीलाल आलमचंद जी। जी जी सर, रूम में सर। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि मोतीलाल आलमचंद जी, क्योंकि उन्होंने ये पत्थर पढ़ा है और उस पर पढ़कर उन्होंने बताया है, तो वो बताएं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे और भी इसके जो चीजें मिलती हैं अपने फेस्टिवल के बारे में, वो क्या क्या साहित्य मिलते हैं, वो बड़ी खोज करते हैं। आपका स्वागत है सर, बताइए प्लीज। जी, सबका साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक्चुअली सर ने जो अभी तस्वीर दिखाई थी, ये भरूत स्तूप की भरूत स्तूप की वेदिका से लिया गया है। सेम ऐसे ही पत्थर सांची के स्तूप की वेदिका पर भी है सर। सांची का जो स्तूप क्रमांक 2 है, निचले भाग में बना हुआ है, वहां इस तरह की प्रतिमाएं, इस तरह के जो आर्ट है, इस तरह की प्रतिमाएं वेदिका के स्तूप पर कम से कम दसियों की संख्या में बनी हुई है, और जो मुख्य स्तूप की वेदिका है तोरण द्वार, उस पर भी बनी हुई है। तो ये इस तरह की प्रतिमा जो है, जिसे हम सर ने जैसे बताया, महामाया के नाम से भी जानते हैं, महालक्ष्मी के नाम से भी पुकारते हैं, तो जो डिक्टो प्रतिमा स्तूप की वेदिकाओं पर कैसे आई, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और बड़ा शोध का विषय है। सर ने काफी विस्तार से बताया भी इसको, जो अभिलेख था इस पर, एक्चुअली जो अभिलेख जो लिखा हुआ है, जो उस समय एक्चुअली जो भी दान देते थे तो दानदाता का नाम लिखने का रिवाज था, तो यहाँ भी जो अभिलेख कभी सर ने बताया था, इस पर लिखा है मोर मोर ग्रीमहा थूपा दासस दानंग थम्मो। मोर ग्री एक जगह का नाम है, मोर ग्रीमहा मतलब विभक्ति लग गई, मोर ग्री से थूपादास का स्तंभ दान, इसका अर्थ होता है तो मोरगिरी के रहने वाले हैं थूपादास, उनका स्तंभ दान है। तो एक्चुअली जो आकृति बनाई जा रही है वो तो बहुत पॉपुलर होती थी उस समय, तो उनका स्पष्ट नाम नहीं लिखा मिलता कहीं के किस चीज की यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कई जगह लिखा भी है, जैसे भरूत की हम बात करें तो वहां जातक कथा में हंस जातक कथा, या जेत बनाराम अनाथ पिंडक, या पसेन जीत अजात शत्रु, इनके सबके नाम भी मिले हैं इस स्तूप की वेदिका पर। लेकिन इस जो पर्टिकुलरली हम जिससे बात कर रहे थे स्तंभ की, इस पर क्या विवरण यहाँ पर दर्ज किया गया है, इसमें क्लियर वो लिखा नहीं है। लेकिन आप इसको देखेंगे तो इसमें कई, इसको सर खोलेंगे थोड़ा, इसको प्रतिमा को आप बताइए आप सर यहाँ पे, इसमें आप देखिए मतलब कमल ही कई कमल खिले हुए, नीचे जो पॉट है पॉट से कई कमल निकले हुए हैं, दो अनखिले कमल है, ऊपर दो खिले हुए कमलों पर दो हाथी विराजमान है, दो फिर बाहर की तरफ खिले हुए है, एक अधखिला खड़ा हुआ कमल, ऊपर से मटके से ये कुछ बरसा रहे हैं। ये जातक कथाओं से भी जोड़ सकते हैं हम इसको, कि कुछ पानी से नहला रहे हैं, या धन, या उसमें आप धान भी कह सकते हैं, जो भी उस समय का रिवाज रहा होगा, उससे दो मटके से हाथी नहला रहे हैं। तो ये डिक्टो फोटो हमें कल बहुत बाजार में देखने को मिलेगा, लेकिन ये पूरा डिक्टो फोटो पूरा बुद्धिस्ट है, इसको आप नकार नहीं सकते। ये हमें भरूत के स्तूप से ही नहीं, सांची के स्तूप पर भी उपलब्ध है, और ये लगभग 2100 से 2200 साल पुराना है। तो इससे, और ये जो तस्वीर है, हमें बाजार में कल बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी, घरों में देखने को मिलेगी, और इसी तस्वीर की लोग पूजा करते हैं, डिक्टो इसी तस्वीर की पूजा होती है। तो और ये बुद्धिस्ट जो बहुत फेमस हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, वहां पर इसकी उपस्थिति से इसको लिंक करना पड़ेगा। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में सहमत नहीं होंगे, लेकिन आप पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो मूर्ति हमें दिखाई दे रही है बुद्ध से ही रिलेटेड है। जातक कथाओं और भी त्रिपिटक की सहायता से हम इसमें पा सकते हैं कि ये महामाया 100% मेरे जहां तक सोच जैसा मेरा कहता है, महामाया की तस्वीर है, और इसमें महामाया खड़ी हुई है और दो हाथी उनको ऊपर से कुछ डाल रहे हैं, और इसी तस्वीर के कल पूजा होनी है। और इसका यदि एकाध जगह हमें मिलता है, एक स्तूप पर हमें इसका विवरण मिलता, तो हम मान सकते थे कहीं ऐसे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है कि अपभ्रंशण हो गया हो, प्रभाव पड़ गया हो दूसरी संस्कृति का, इसलिए यहाँ पर आ गया हो। लेकिन सेम प्रोसीजर, सेम तस्वीरें हमें सांची के मुख्य स्तूप पर भी है,
और दो नंबर स्तूप की वेदिका पर भी कई जगह बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें हमारी विरासत में हमें मिली हुई है तस्वीरें, बहुत संस्कृत से जुड़ी हुई है, लेकिन कालांतर में हम अपनी विरासत को भूल गए और जिसने एक्चुअली हमारे आचरण में हमारी परंपराओं में तो ये चला ही आ रहा था, तो हमारे पुरखों ने जो शिक्षा का प्रतिबंध होने के बावजूद इनको अपने आचरण में, अपने जीवन में, अपने त्योहार पर्व में इसको जीवित रखा। आपने सुना भी होगा पहले की जो महिलाएं करती थी उपास, मेरी माँ भी उपास बोलती थी, आपके जहाँ के रहने वाले उपास, उपास कोई पृथक शब्द, उपास मतलब व्रत जो भी शब्द है, तो उपास भी उपोषत से ही निकला हुआ, उपोषत का शॉर्ट फॉर्म है, जो उपोषत होता है था उसको साइलेंट हो गया है, उपोषत का ही उपास है। तो जो जो जितनी भी त्योहार की परंपरा है, जितनी भी हमारे त्योहार है या पर्व जिसको कहते हैं, जो हमारे सामाजिक मिलन के जितने भी रिवाज हैं, उस सब अधिकांश उपोषत की जो तारीख निर्धारित है विनय पिटक में, उपोषत की तारीख है आपकी पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी, प्रतिपदा, अधिकांश जो त्योहार हमारे प्रचलन में भारत के, वो इन्हीं उपोषत की तारीख में आपको देखने को मिलेंगे। और जो उपोषत की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, और उपोषत की तारीख न केवल विनय पिटक में दी गई है बल्कि सम्राट अशोक के शिलालेख में भी यही तारीख मिलती है, और सम्राट अशोक के शिलालेखों को विशेष मानते हैं, और विशेष मानने के साथ उनको अच्छा मानते हैं, यहाँ पर इन पर मांसाहार का प्रतिबंध करते हैं और भी कई प्रतिबंध लगाते हैं, बस शुभ कार्य करने के लिए संदेश देते हैं, राजाज्ञा पढ़ने के लिए भी इन विशेष तिथियों पर आग्रह करते हैं लोगों से। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं और हमारे आज का आचरण है, हमारी आज की परंपरा है, इन दोनों को लिंक करके शोध करने की आवश्यकता है। ऐसे शोध अभी तक नहीं हुए हैं और यह शोध करने की जवाबदारी हमारी पीढ़ी को लेना पड़ेगी, हमारे समाज को लेना पड़ेगी कि भाई ये जो पुरातात्विक साक्ष्य जो बिखरे हुए हैं और वो साक्ष्य जो पुरातात्विक साक्ष्य पर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं उनकी आज कल्चर में पूजा भी हो रही है, लेकिन नाम बदल दिया गया है। जो उस समय बुद्धकालीन या बुद्ध से संबंधित मूर्तियां थी, अभी उन मूर्तियों को बुद्ध से संबंधित ना मान के पूजा जा रही है, लेकिन पूजा जा रही है। भाई जो संपर्क सूत्र है कि बुद्ध से संबंधित है कि नहीं है, वो सिर्फ टूट गया है, लेकिन जो आचरण में जो पूजा पाठ था या पूजा पाठ से आशा उनको रखकर, उनको रिस्पेक्ट देकर जो हमारे त्योहार तीस त्योहार मनाए जाते थे, वो आज भी जो की तो जारी है, डिप्टो है। इतिहासकार इस इन तस्वीरों पर खासकर, बहुत वायरल भी होती है इन दिनों में और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है और कई जगह प्राप्त हुई है, इन तस्वीरों पर मौन हो जाते हैं। तो मौन क्यों हो जाते हैं भाई, ये हमें खोजना होगा और ये हमारा दायित्व है कि हम इन तस्वीरों की और सच्चाई खोज करके लेकर आए। इनको हमें त्रिपिटक के ज्ञान से, अशोक के शिलालेखों से लिंक करना पड़ेगा और पुरातन काल का जो भी हमें साक्ष्य मिलता है उनको लिंक करना पड़ेगा। तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारे ये मूल भारतीय लोग हैं, मूल निवासी हैं, बहुजन है, समण है, समणों से संबंधित यह तस्वीर है और ये हमें मानना पड़ेगा। तो ये जो सर ने तस्वीर दिखाई, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर की बात से और सर ने जितना भी यहाँ पर जिक्र किया उससे पूर्णतः सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तस्वीरें जो आज तक हमारे आचरण में जारी हैं, उनके प्रति रिस्पेक्ट है, ये पूरी बुद्ध संस्कृति की भाग है और ये बुद्ध शासन काल से चली आ रही है और हमें इन पर शोध करने की आवश्यकता है। जो भी त्योहार तीस त्योहार मनाए जाते हैं वो अधिकांश 99% वो पूरी के पूरी बुद्धिस्ट संस्कृति के भाग हैं, मूल निवासियों के भाग हैं, बहुजनों के त्योहार हैं, समणों के त्योहार हैं। मैं अपनी बात इतना ही कहना चाहूंगा और यदि कोई इसमें कोई क्वेश्चन आंसरिंग होगी तो मैं उसको जवाब देने के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर अम्बेडकर। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं।
कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Sarnam Garchami.